अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं, जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवा हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूँगी कि केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, राशन आदि दिया जा रहा है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी केंद्र की सरकार जरूर विशेष ध्यान देगी। लेकिन इस संबंध में मैं आपको सावधान भी करना चाहती हूँ कि आप लोगों को जो थोड़ा सा पिछले कुछ समय से फ्री में जो राशन दिया जा रहा है, तो ये कोई बीजेपी की देन नहीं है, आरएसएस की देन नहीं है, बल्कि आप लोग जो देश की जनता जो केंद्र की सरकार को जो टैक्स देती है, टैक्स के जरिए केंद्र की सरकार के पास जो पैसा जमा होता है, उस पैसे से आप लोगों को ये राशन आदि दिया जा रहा है। ये कोई बीजेपी आपको अपनी जेब से ये राशन पानी आदि नहीं दे रही है, तो इसलिए आप लोगों को इनके बहकावे में कतई नहीं आना है, बल्कि आप लोगों को अपना एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी को हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए देना है। साथ ही पिछले कुछ वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपने यूपी की रही सरकार में करके भी दिखाया है। इसके अलावा हमने यूपी में सब समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे पड़े हैं, जिनको फिर केंद्र में बीएसपी की सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए इनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनत कश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है।